एक पौधा माँ के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत सनातन धर्म सभा रजिस्टर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों में वृहद पौधारोपण किया गया। प्रबंध समिति के सदस्यों एवं छात्र छात्राओं ने पौधे लगाकर उनके पालन पोषण का संकल्प लिया। पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण जरूरी, पृथ्वी को करें घने वृक्षों से आच्छादित। वृक्ष धरा के आभूषण और स्वस्थ जीवन का आधार है। कुंवर जगदीश प्रसाद सनातन धर्म इंटर कॉलेज एवं जूनियर हाई स्कूल में एक पौधा माँ के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत पौधारोपण किया गया। प्रबंध समिति के सदस्यों एवं छात्र छात्राओं ने अपनी अपनी माँ के नाम से पौधा लगाकर उसके पालन पोषण का संकल्प लिया। इस अवसर पर लगभग 150 से अधिक विभिन्न प्रकार के पौधों को गमलों में रोपित किया गया। मंगलवार को विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सनातन धर्म सभा के मंत्री दीपक मित्तल ने कहा कि जीवों और पेड़ पौधों को आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। सभी जीवधारी श्वास क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार प्रकृति में दोनों के मध्य संतुलन बना रहता है, लेकिन आधुनिक परिवेश एवं भौतिक जीवन शैली के कारण पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, जिसका सभी जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि अधिक से अधिक वृक्ष पौधारोपण लगाकर पृथ्वी को घने वृक्षों से आच्छादित करें। कुंवर जगदीश प्रसाद सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री राजीव गौतम जी ने कहा कि वृक्ष धरा के आभूषण है और स्वस्थ जीवन का आधार है। उन्होंने छात्रों एवं छात्राओं को आह्वान करते हुए कहा कि एक पेड़ अथवा पौधा माँ के लिए अवश्य लगाएं और उसका पालन पोषण करें, जिसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को जरूर मिलेगा। इस अवसर पर कुंवर जगदीश प्रसाद सनातन धर्म इंटर कॉलेज के अध्यक्ष श्री शिवचरण दास गर्ग, उपाध्यक्ष श्री सुशील गोयल गुरुजी, उप प्रबंधक श्री सुखदेव मित्तल, एडवोकेट कुंवर जगदीश प्रसाद सनातन धर्म जूनियर हाई स्कूल के अध्यक्ष दीपक मित्तल, कोषाध्यक्ष श्री सतीश गर्ग, प्रबंध समिति के सदस्य वैभव मित्तल और विद्यालय के प्रधानाचार्य सुश्री विनीता गर्ग और इंटर कॉलेज की व्यवस्थापक श्रीमती मीता गुप्ता व विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। संपूर्ण कार्यक्रम का सुंदर संचालन श्रीमती रूबी त्यागी द्वारा किया गया। विद्यालय की अध्यापिका कुमारी हिमानी का सहयोग सराहनीय रहा।